प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। पहला एपिसोड। बाहर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी, और इस दस्तक से पहले अर्णव, जो कि हमारी कहानी का हीरो है, जी हाँ अर्णव, अपने इस आलीशान घर में वो अकेला रहता था। उसके मॉम डैड एक हादसे में मारे गए थे जब वो केवल 3 साल का था। उसकी परवरिश उसके पापा के बेस्ट फ्रेंड ने की थी, जो कि एक बहुत बड़े लॉयर थे। उनका नाम ऋषभ रायचंद है। इस दुनिया में अगर अर्णव किसी पर विश्वास करता था तो बस अपने छोटे पापा पर। अर्णव की प्रॉपर्टी के कारण उसके सारे रिश्तेदार बस प्यार का झूठा दिखावा करते थे, इसलिए मिस्टर रायचंद ने उसे कानूनी तौर पर गोद ले लिया। उनका भी इस दुनिया में अर्णव के सिवा कोई नहीं था। उनके परिवार में उनकी पत्नी उन्हें बहुत पहले छोड़कर जा चुकी थी, इसलिए अर्णव के लिए अपना पूरा प्यार वो देने के लिए तैयार थे। सबने कहा कि पैसों के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए सारी प्रॉपर्टी अर्णव के नाम करवा दी। अगर उसे कुछ भी हुआ तो सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट, जो कि उसके पापा का था, वहां पर चली जाएगी। और ऐसा होने के बाद सबके मुंह बंद हो गए। अर्णव तो उनके जीने का सहारा बन गया। मिस्टर रायचंद ने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी। अर्णव भी एक अच्छे बेटे का हर फर्ज निभाता था। अब आते हैं प्रेजेंट डे पर। मिस्टर रायचंद किसी काम से बाहर गए हुए हैं और अर्णव ने सब नौकरों को छुट्टी दे दी है, क्योंकि आज उसका अकेले रहने का मन है। आज मौसम भी उसकी तन्हाई में उसके साथ था, लेकिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसको डिस्टर्ब कर दिया। वो बेमन से दरवाजा खोलने के लिए गया। पता नहीं इतनी रात को कौन है, बड़े पापा तो 2 दिन बाद आने वाले थे, लेकिन अब कौन आ गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने एक बुढ़े आदमी और एक लड़की को देखा। दिखने में वे दोनों एक बड़े परिवार के लग रहे थे। लड़की ने बहुत ही सिंपल सलवार सूट पहना था, लेकिन लग कॉस्टली रहा था। बुढ़े आदमी ने भी सूट पहना हुआ था, लेकिन दोनों भीग चुके थे। अर्णव ने उनको देखा और बोला, अरे आप जल्दी अंदर आओ, अंकल आप सोफे पर बैठिए, मैं टॉवल लेकर आता हूं। अर्णव जल्दी से भागकर गया और टॉवल लेकर आ गया, अंकल को साफ करने लग गया। उसे उस आदमी में अपने छोटे पापा दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये सब जानवी देख रही थी। जानवी कौन? जानवी हमारी कहानी की हीरोइन। और वो मन ही मन सोच भी रही थी, यार ये बंदा कब से दादू की देखरेख में लगा है। भीगी तो मैं भी थी, लेकिन ये तो दादू के साथ ऐसे लग गया है जैसे दादू इसके ही हो, मेरे नहीं। लीजिए आप भी साफ कर लीजिए, अर्णव ने जानवी से कहा। थैंक्स बेटा हमारी मदद के लिए, वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी ना। और दादू कुछ बोलते उससे पहले जानवी बोल पड़ी, और शहर से बाहर बस आपका ही घर था, इसलिए बहुत सोचने के बाद हम यहाँ आ गए। और सोचा इसलिए क्योंकि हमें लगा पता नहीं कौन लोग होंगे और कैसे लोग होंगे, बस इसलिए। लेकिन आप तो अकेले ही हैं। इतने में दादू जानवी का हाथ पकड़कर चुप होने का इशारा करते हैं। ये देखकर अर्णव को हंसी आ जाती है, पर वो रोक लेता है। फिर दादू अपना परिचय करा देते हैं। मेरा नाम आनंद धनराज है, धनराज कॉर्पोरेशंस का मालिक। हेलो अंकल, आई एम अर्णव रायचंद, ओनर ऑफ रायचंद कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी। ओ तो तुम ऋषभ के बेटे हो, तुम्हें पता है हम तुमसे ही मिलने आए थे शहर में। वो तो हमारे होटल की बुकिंग कहीं और थी, पर अच्छा ही हुआ कि तुम मिल गए। आप पापा को जानते हैं? वाओ ग्रेट, बट हाउ? अर्णव को जब ये पता चला कि मिस्टर धनराज उसके पापा को जानते हैं तो वो हैरान हो गया। फिर मिस्टर धनराज बोलते हैं कि अरे बेटा मेरे सब कानूनी काम ऋषभ ही देखता था, और हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है। बस जब से मैं 20 साल से अमेरिका में हूं तो हमारा कभी मिलना नहीं हो पाया, अभी 1 साल से इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं। अरे दादू आप भी कितना बोलते हैं, रिलैक्स करो ना, मैं बताती हूँ आपको पूरी बात। हम जब से यहाँ शिफ्ट हुए हैं दादू ऋषभ अंकल को ही ढूंढ रहे थे, आपके पुराने घर भी गए थे पर कुछ पता ही नहीं चला, 1 हफ्ते पहले पता चला तो हम इस सिटी में आ गए। जानवी बोले ही जा रही थी कि कैसे उसने उनको बिना किसी की हेल्प के ढूंढ लिया। अर्णव उसकी बातें सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए उसने बातें पलटते हुए कहा, अंकल मैं आपकी बात अभी छोटे पापा से करवा देता हूँ। और इतना कहकर वो अपने फोन पर वीडियो कॉल करने लगा। उसकी ये हरकत देखकर जानवी को गुस्सा आ गया, और वो भी पूरे 7वें आसमान पर पहुंच गया उसका गुस्सा, क्योंकि आज तक जानवी की बात
कभी किसी ने नहीं काटी थी। लेकिन दादू और अर्नव कॉल में ऋषभ के साथ गप्पे लड़ाने लग गए थे। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप इंडिया आ गए, मेरा तो मन कर रहा है कि अभी आ जाऊं, पर ये केस भी जरूरी है ना। पर चलो कोई बात नहीं, दो दिन की तो बात है। अरे अर्नव मेरे दोस्त का ख्याल रखना। ओए रुक, तुझे अपनी जानू से तो मिलवा दूं। जानवी बेटा वहां क्या कर रही हो, इधर आओ, जानवी अपने मन में बोली। अब आइए ना मेरी याद, रात दिन मैंने एक करके इनको ढूंढा और एक फोन कॉल से ये मिस्टर साइलेंट हीरो बन गए। दिस इज नॉट फेयर ना गॉड। अपनी झूठी हंसी लेकर वो अर्नव के हाथ से फोन ले लेती है। हेलो अंकल, आई एम जानवी, गुड टू सी यू, आपके बारे में दादू से बहुत सुना है। हेलो ब्यूटीफुल गर्ल, आप तो बहुत बड़ी हो गई हैं और खूबसूरत भी। बहुत बहुत थैंक यू बच्चे हमें मिलवाने के लिए। अभी रात बहुत हो गई है, आप सब भी आराम कर लो, बाकी की बातें अब मिलकर करते हैं। बेटा अर्नव को फोन देना जरा। ओके अंकल, बाय बाय एंड टेक केयर, विल मीट यू सून, गुड नाइट। और वो अर्नव को फोन दे देती है। जी पापा, बोलिए। बेटा मेरे दोस्त का और जानू का ख्याल रखना और इन्हें होटल तो बिल्कुल भी मत जाने देना। जब तक मैं नहीं आता ये दोनों तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। सो टेक केयर एंड एंजॉय देयर कंपनी, बाय बाय, सी यू सून, मिस यू। बाय पापा एंड टेक केयर, यू टू, मिस यू टू। तो दादू कैसा लगा अपने यार से बात करके? बच्चे मजा आ गया सच में, और दो दिन बाद तो वह आ ही रहा है। इतना बोलकर दादू जोर जोर से छींकना शुरू कर देते हैं। ओहो दादू को तो ठंड लग गई है, मैं जाकर छोटे पापा के कपड़े ला देता हूँ। वेट वेट वेट, मुझे लगता है कि हम बाहर कार में अपना बैग भूल गए। ओह नो, जानवी बड़बड़ाई जा रही थी। बड़ी अजीब पागल लड़की है, इसके दादू को ठंड लग रही है और ये बातें करी जा रही है। मिस जानवी, पहले हम दादू को चेंज करवा देते हैं, वो ठीक फील करेंगे तब मैं बाहर जाके आपका प्यारा सा बैग ले आऊंगा, ठीक है? मैं तो बस वैसे ही बोल रही थी कि मुझे भी दादू की चिंता है और आप दादू को चेंज करवा दो तो किसी सर्वेंट से बोलकर कॉफी बनवा दो तो दादू के लिए प्लीज। देखिए मैडम, आपको यहाँ कोई भी नौकर दिखाई दे रहा है क्या? मैंने आज ही सभी को छुट्टी दे दी है। नो प्रॉब्लम मिस्टर रायचंद, आप किचन बता दें कहाँ है, मैं कॉफी बना दूंगी और आप दादू को चेंज करवा दो। अर्नव बिना बोले किचन की तरफ इशारा कर देता है और दादू को एक कमरे में ले जाता है। वाह मिस्टर साइलेंट है ये तो, मुझे क्या है, मैं दादू के लिए कॉफी बना देती हूँ, अपने और उसके लिए भी बना ही लेती हूँ। थोड़ी देर बाद अर्नव दादू को लेकर हॉल में आ जाता है और उन्हें सोफे पर बिठा देता है। तभी जानवी आ जाती है। दादू ये रही आपकी कॉफी, वो भी गर्मा गर्म। थैंक्स बेटा, अब तुम भी कपड़े बदल लो वरना बीमार हो जाओगी। जी दादू, मैं अभी गाड़ी से अपना बैग लेकर आती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, मैं लेकर आता हूँ, आप यहाँ बैठ जाइए। अर्नव जाने लगता है तभी जानवी बोलती है, जी नहीं मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। तभी दादू भी बोलते हैं, ले जा अर्नव को साथ, तेरी मदद हो जाएगी और बाहर वैसे भी बारिश बहुत ज्यादा है। जी दादू जैसा आप कहें। अर्नव और जानवी अपना छाता लेकर बाहर चले जाते हैं। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। मिस जानवी जी कहाँ है आपकी गाड़ी? यार थोड़ा आगे तो चलो, पर अगर आपको उल्लू की आंखें लगी हैं तो यहीं से दिख जाएगी। व्हाट रबिश, अर्नव उसे गुस्से से घूर रहा था। जब जानवी ने अर्नव को देखा तो जल्दी जल्दी आगे चल पड़ी और बोलने लगी, आप यहीं पर खड़े रहोगे या चलोगे भी? और अर्नव भी गुस्से से चल पड़ा। हे मिस्टर साइलेंट, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, आई मीन मिस्टर रायचंद, वो रही मेरी कार। और वो भाग के अपनी कार की तरफ जाने लगी। अरे सुनो रुको, अर्नव भी उसके पीछे भागने लगता है। तभी अर्नव का छाता तेज हवा के कारण छूट जाता है और दूर गिर जाता है, पर वो जानवी के पास भागकर पहुंच जाता है और उस पर चिल्लाने लगता है, आर यू मैड, हैव यू लॉस्ट योर माइंड, अगर कोई गाड़ी या कार से टक्कर हो जाती तो तुम कौन होते मुझे ऐसा बोलने वाले? जानवी भी पूरे गुस्से से चिल्लाती है। लेकिन तभी एक कार जानवी के पीछे से आ रही होती है। अर्नव भाग कर जानवी के पास जाता है और उसे साइड कर देता है। वो जानवी को कुछ नहीं कहता और उसके हाथों से कार की चाबी लेकर कार से बैग निकालने लगता है। जानवी बस उसे देख रही थी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो छाता लेकर अर्नव के पास चली जाती है और उसे भी अपने छाते के नीचे ले लेती है। पर अर्नव जानवी की तरफ देखता भी नहीं है, दोनों बैग लेकर चल पड़ता है। जानवी को आज तक किसी ने कभी इग्नोर नहीं किया था। घर के अंदर जाने से पहले वो अर्नव का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है। आई एम सॉरी। अर्नव कुछ नहीं बोलता,
और अंदर आ जाता है। दोनों अंदर आकर देखते हैं कि दादू वहीं पर सो गए थे। आप भी चेंज कर लीजिए, वो लेफ्ट साइड वाला रूम आपका है और मैं दादू को इस कमरे में ले जाता हूं। और इतना बोलकर अर्णव दादू को लेकर कमरे में लेटा देता है। जानवी भी चेंज करने चली जाती है। अर्णव भी पूरा भीग गया था, वो भी अपने कपड़े बदलने लग जाता है। जानवी कपड़े बदलकर आ जाती है और अर्णव को ढूंढने लगती है। पहले दादू के रूम में जाती है, पर वहां दादू सो रहे होते हैं। फिर हॉल में, किचन में और स्टडी में धीरे धीरे सारा ग्राउंड फ्लोर देख लेती है। तभी उसकी नजर ऊपर वाले रूम में पड़ती है, वहां की लाइट जल रही थी। शायद यही मिस्टर साइलेंट का कमरा है। चलकर सॉरी बोल देती हूँ और बात खत्म। बाहर थोड़ा गुस्से में शायद ज्यादा हो गया, अब ठीक होगा। वो जैसे ही अंदर जाने लगती है, अर्णव बाहर आ रहा होता है और दोनों टकरा जाते हैं। जानवी जैसे ही पीछे गिरने लगती है, अर्णव उसे उसकी कमर से पकड़ लेता है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे पहली बार देखा हो। अर्णव ने व्हाइट टी शर्ट और ब्लू शॉर्ट्स पहनी हुई थी। उसके भीगे बाल उसके माथे पर आ गए थे और उसकी बूंदें जानवी के चेहरे पर पड़ रही थी। अर्णव की आंखें भूरे रंग की थीं और उनमें बहुत दर्द था जो शायद जानवी को दिखाई दे गया। अर्णव भी जानवी को देख रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को ऐसे इतने करीब से नहीं देखा था। उसकी बड़ी बड़ी भूरे रंग की आंखों में वो खो सा गया था। जानवी ने भी व्हाइट लॉन्ग स्कर्ट के साथ पीच रंग का कुर्ता पहना हुआ था और ये रंग उसके गोरे रंग पर बहुत खिल रहा था। अर्णव तो बस उसे ही देखे जा रहा था कि तभी जानवी, जिसका कि चेहरा अर्णव के बालों से आती हुई बूंदों से पूरा भीग चुका था, उसे होश आया और वो सीधी खड़ी हो गई। अर्णव भी बहुत ज्यादा झेप गया। आप यहां कोई काम था? और इतना बोलते ही आसपास देखने लगता है। जानवी, जो कि कभी चुप नहीं होती थी, वो आज अर्णव को देखकर चुप हो गई थी। उसे अर्णव बहुत क्यूट लग रहा था। आई एम सॉरी, सीरियसली आई रियलाइज माई मिस्टेक, यू सेव्ड माई लाइफ। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं डांटा, इसलिए गुस्सा आ गया, नहीं तो मैं कभी इतना रूड नहीं होती। प्लीज फॉरगिव मी। और एक क्यूट सी स्माइल के साथ अर्णव को देखने लगती है। नो, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, आई हैव नो इश्यूज फॉर यू फ्रॉम माई साइड, आप रिलैक्स कीजिए। ओके, वैसे आप भी भीग गए थे तो क्या आप कॉफी पियेंगे? प्लीज प्लीज गॉड ही हाँ बोल दे, पर मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ यार, अब तो पूछ ही लिया है तो देखते हैं क्या होता है। वो अपना सिर खुजलाने लगती है। अर्णव, उसको उसकी ये सारी हरकतें बहुत क्यूट लगती हैं। वो बस हाँ के लिए अपना सिर हिलाता है और नीचे चला जाता है। यार ये तो बड़ा साइलेंट बंदा है, कुछ बोलता ही नहीं है। बिल्कुल सही नाम रखा है मैंने इसका, मिस्टर साइलेंट। और अर्णव के पीछे पीछे वो भी आ जाती है। ये लीजिए आपकी कॉफी। और अर्णव के सामने वो बैठ जाती है। दोनों बस कॉफी पी रहे थे और बिल्कुल खामोश थे। जानवी खुद हैरान थी कि वो इतनी शांत और चुप क्यों है, पर उसका दिल बस अर्णव की आंखों में झांकने का था और वो बस अर्णव को देखे ही जा रही थी। अर्णव को भी पता था कि जानवी उसे देख रही है, पर वो बस आसपास ही देख रहा था। जैसे ही कॉफी खत्म हुई, थैंक्स फॉर कॉफी जानवी जी, बाय, गुड नाइट, अब आप आराम कर लीजिए, बहुत रात हो गई है। और इतना बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है। जानवी का दिल था कि वो उससे बातें करे, पर उसे सबसे ज्यादा बुरा अर्णव का उसे इग्नोर करना लगता है और वो गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। इधर अर्णव अपने कमरे में बहुत बेचैन सा होकर घूम रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकता। जो भी मेरे पास आएगा उसे दुखों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे जानवी से दूर रहना पड़ेगा। मुझे पता है उसने मेरी आंखों में देखा था और वो मुझे जानना चाहती है, पर नहीं, मैं बस उससे दूर रहूंगा। वो बहुत चुलबुली है, प्यारी सी है, पर मेरे साथ रहेगी तो दुख में ही रहेगी। और आज जानवी की आंखों में भी नींद नहीं थी, उसे बस अर्णव का चेहरा और उसकी आंखें याद आ रही थीं। वो उससे नाराज होना चाहती थी, पर उसे अर्णव पर गुस्सा नहीं आ रहा था। आज से पहले उसने कभी भी किसी के लिए भी ऐसा फील नहीं किया था। ये सोचते सोचते उसको नींद आ गई। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं
प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने। दूसरा एपिसोड। अगली सुबह अर्णव उठा और अपनी आदत के अनुसार सबसे पहले अपने छोटे पापा के कमरे में गया। उसकी आदत बचपन से ही थी, वो सबसे पहले उनको ही देखता था। जब कभी वो घर में नहीं होते तो अर्णव उनके रूम में जाकर कुछ देर जाकर बैठ जाता था। जब वो उनके कमरे में गया तो वहां दादू सो रहे थे। उन्हें देखकर उसे याद आया, मुझे बस जानवी से दूर रहना है। इतना सोचकर वो हॉल में आ गया और तभी उसके सर्वेंट्स आ जाते हैं। देखो, कल रात हमारे घर दो गेस्ट आए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। इतना बोलकर अर्णव चला जाता है। तभी सभी नौकर आपस में बात करने लगते हैं। लगता है बहुत ही खास मेहमान आए, तभी तो छोटे साहब इतना ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं, नहीं तो घर में कोई भी आ जाए उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चलो हम भी अपना काम करते हैं। कुछ देर बाद जानवी भी उठ जाती है, पर उसे अभी भी अर्णव याद आ रहा था। मिस्टर साइलेंट, ओ सॉरी, मिस्टर रायचंद। बोलते बोलते वो बाहर आ जाती है। सभी नौकर उसे ही देख रहे थे। हेलो मैम, कुछ चाहिए आपको? हमें बता दो, छोटे बाबा बाहर गए। एक मेड जो थोड़ी बूढ़ी थी वो जानवी को बोलती है। नो आंटी, इट्स ओके, मुझे दादू को भी उठाना है। आप बस दो कप कॉफी बनवा दो, मैं दादू को देखती हूँ। और वो अपने दादू के रूम में चली जाती है। इधर अर्णव जॉगिंग करके आ जाता है। सामने दादू बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहे होते हैं और कॉफी पी रहे होते हैं। हैंसम, हाउज यू? गुड दादू, आप बताओ, आप ठीक है ना? फीवर या कोल्ड तो नहीं है? डॉक्टर को कॉल करूं? अरे बस, तू भी जानवी की तरह बात कर रहा है। उसे भी अभी शांत किया है, पर फिर भी वो किचन में मेरे लिए पता नहीं क्या बनाने में लगी है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जाकर उसे बुला ला। पता नहीं जब से उठी है बस गुस्से में किचन में कुछ ना कुछ बनाने को लगी हुई है, और वो भी फोन्स लगाकर कुछ बना रही है। अर्णव ने सभी को जाने के लिए कहा और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया और उसे आवाज देने लगा। मिस जानवी जी। जानवी को कुछ पता नहीं लगता है। अर्णव उसके कंधे पर हाथ लगाकर बोलता है। जानवी जब अर्णव को देखती है तो अपने हेडफोन्स उतार देती है। क्या हुआ मिस्टर रायचंद, एनी प्रॉब्लम? मैं दादू के लिए टर्किश टी बना रही हूँ। जानवी जी, दादू ठीक हैं, वो आपको बुला रहे हैं, मैं बस यही बोलने आया था। आप जब अपनी ये स्पेशल टर्किश टी बना लेंगी तो बाहर आ जाना। ना कोई गुड मॉर्निंग ना हेलो, बस जो दादू ने बोला तो वो बोल गया, और कुछ भी नहीं। हे गॉड, क्या ये लड़का! कॉलेज टाइम में हर लड़का मुझमें इंटरेस्ट लेता था, पर मुझे कोई पसंद नहीं आया, और ये भी पसंद नहीं है, बस अच्छा लगा है। अब मैं भी इससे बात करूंगी। बट ही इज सो क्यूट, सो इनोसेंट। चल जानवी, दादू के पास ही चल। ये लो दादू, इसे पीकर आप अच्छा फील करेंगे। मैं जाकर नहा के आती हूँ। अब जानवी अर्णव को इग्नोर कर रही थी। अर्णव भी अपने रूम में रेडी होने चला गया। दादू और अर्णव डाइनिंग टेबल पर बैठकर जानवी का वेट कर रहे थे। जानवी जब नहाकर आई तो अर्णव उसे देखता ही रह गया। वाओ, माय प्रिंसेस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। ओ कम ऑन दादू, चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। पता है अर्णव, जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, जानवी ने वेस्टर्न क्लोथ्स पहनना ही छोड़ दिया है। हमेशा से ही ये वेस्टर्न वियर करती थी, पर पता नहीं क्यों 6 महीनों से इंडियन क्लोथ्स पहन रही है। दादू मुझे कोई काम है तो मैं जाती हूँ। जानवी दादू की बात को पूरी तरह इग्नोर करती है और अर्णव ये सब देख रहा होता है। पर जा कहाँ रही हो ये तो बताओ। दादू मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू गो विद अर्णव, दिस इज माय कंडीशन, दिस सिटी इज अननोन फॉर यू, अकेले जाना ठीक नहीं है। बेटा आपको तो कोई परेशानी नहीं है? नो, नॉट एट ऑल अंकल, आई विल गो विद हर, यू डोंट वरी अबाउट हर, आई विल टेक केयर, रिलैक्स। थैंक यू माई सन, जानू एंजॉय योर शॉपिंग, बाय। इस मिस्टर साइलेंट के साथ भेज दिया है, एंजॉय क्या करूंगी। जानवी अपने आप से बोले जा रही थी। मिस जानवी जी, चलें? अर्णव ने कार स्टार्ट करते हुए बोला। जी चलिए। पूरा रास्ता दोनों चुप थे। अर्णव भी हैरान था कि जानवी चुप कैसे। फिर अर्णव ने रेडियो चला दिया और उसमें ये गाना बज रहा था। हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, मंजिल से बेहतर लगने लगे हैं ये रास्ते, आओ खो जाएं हम, जाना कहाँ है ना हो पता। जानवी गाना सुनकर स्माइल कर रही थी।
और थोड़ी सी रिलैक्स हो गई थी। आपको पता है मुझे ये गाना बहुत पसंद है। अनजाने में आपने मेरा मूड ठीक कर दिया, थैंक्स। इसका मतलब मेरे साथ आने से आपका मूड खराब हो गया था? नो, आई डिडंट मीन दैट, रियली आई एम सो सॉरी। वो जादू की बात सुन के मैंने ये क्या बोल दिया? चुप जानवी, एकदम चुप हो जा। और जानवी अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। अर्नव कार को एक तरफ रोक लेता है। आई नो, कुछ तो बात है, तुम मुझे बता सकती हो? मैं दादू को कुछ नहीं बोलूंगा, ट्रस्ट मी प्लीज। जानवी अर्नव की तरफ देखती है और उसकी आंखें गीली हो जाती हैं। ये देखकर अर्नव और ज्यादा उलझन में फंस जाता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। जानवी रोए ही जा रही थी। अर्नव ने कार स्टार्ट की और एक शांत सी जगह पर ले गया। वो कार से उतरा और जानवी का दरवाजा खोला। जानवी भी बाहर आ गई। आसपास कोई नहीं था। अर्नव जानवी को एक बेंच पर बिठाता है और उसके साथ बैठ जाता है। वो जानवी को कुछ नहीं बोलता, बस शांति से बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद जानवी चुप होती है और अर्नव की तरफ देखती है। पता है, जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत ही बिंदास थी। मैंने हमेशा से वेस्टर्न क्लोथ्स ही पहने थे अमेरिका में, तो यहाँ पर भी वही पहनती थी क्योंकि मैं तब उनमें कंफर्टेबल फील करती थी। 6 महीने पहले मैं और दादू आगरा गए थे। एक दिन मैं दादू को बिना बताए शाम को होटल के बाहर घूमने निकल गई। मार्केट में थी और किसी ने मेरे पीछे मेरी कमर पर हाथ डाला और बदतमीजी करने लगा। इस इंसिडेंस के बाद मैंने बस इंडियन सूट से पहनने शुरू कर दिए, पर अब ये मुझे अच्छे लगते हैं। और जानवी अर्नव की तरफ देखने लगती है। अर्नव बस चुप था और जानवी की तरफ देख रहा था। आप बहुत ब्रेव हैं जो स्माइल कर रही हैं। पता है, आपसे ये बात करके मैं बहुत ही लाइट फील कर रही हूं। जानवी अर्नव की ओर देखते हुए मुस्कुराई। चलो अभी हम चलते हैं। वैसे वो पुलिस वाला कौन से स्टेशन का था? होटल के पास ही था पर याद नहीं, पर होटल का नाम बहुत अच्छा था, दी ग्रेट इंडिया होटल। चलो चलते हैं। दोनों कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद एक शॉपिंग मॉल के सामने जाकर कार रुक जाती है। आप यहाँ शॉपिंग कर लीजिए, मेरी मीटिंग है 5th फ्लोर पर। आप जब फ्री हो जाओ तो कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। इतना बोलकर अर्नव चला जाता है और जानवी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वाह, ये आए मेरे साथ शॉपिंग पर, मुझे लगा हम अब दोस्त हैं, पर ये तो सच में मिस्टर साइलेंट है। हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? वहां एक एम्प्लॉय आकर जानवी को बोलता है। 5th फ्लोर पर कौन सी शॉप्स हैं? ओनली ज्वेलरी शॉप मैम एंड मीटिंग पॉइंट। ओके थैंक्स। और जानवी चली जाती है। वहां आकर अर्नव को वो ढूंढती है तो सामने अर्नव किसी से मीटिंग कर रहा होता है। जानवी बिल्कुल उसके सामने वाली दुकान में चली जाती है। अर्नव उसे देख लेता है। भैया मुझे कोई सिंपल नेकलेस दिखाएं। जी मैम। जानवी देखने लगती है और उसे एक सिंपल चेन वाला, उसमें सेंटर में एक ब्लू पर्ल का लॉकेट था, वो वाली दिखाना। वाह सो ब्यूटीफुल, इसे पैक कर दीजिए। सॉरी मैम पर ये पहले ही बुक है, आप कोई और देख लीजिए। रहने दीजिए, मुझे यही पसंद था, आज का दिन ही ऐसा है। जानवी का मूड और ज्यादा खराब हो जाता है और तभी अर्नव आ जाता है। चलें? हाँ चलो, बस दादू के लिए कुछ लेना है, आप चलो मैं आती हूं। इतना बोलकर जानवी चली जाती है। अर्नव उस दुकानदार से कुछ बात करता है और चला जाता है। जानवी भी शॉपिंग करके बिल क्लियर करवा देती है और कार में आ जाती है। पूरा रास्ता दोनों चुप थे। अर्नव फिर से रेडियो ऑन कर देता है और तभी गाना बजता है। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ। तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में। मैनू इश्क तेरा लय डूबा, हाँ इश्क तेरा लय डूबा, मैनू इश्क तेरा लय डूबा, अर्नव ने कहा। पता है जानवी, ये गाना मुझे बहुत पसंद है। है ना स्ट्रेंज, जब हम जा रहे थे तब आपकी पसंद का गाना आया और अब मेरी पसंद का। हिसाब बराबर कर रहे हैं लगता है ये रेडियो वाले। जानवी का कुछ भी बोलने का मन नहीं था। अर्नव समझ गया था, पर उसे ये खामोश जानवी अच्छी नहीं लग रही थी। और तभी घर आ गया। जानवी ने बैग उठाया और चली गई। अर्नव कुछ सोचकर स्माइल करने लग जाता है। वो बस खड़ा होकर जानवी को देख रहा था। जानवी जाकर दादू को उनका सामान देती है और चुपचाप खाना खाकर अपने रूम में चली जाती है। दादू को लगता है कि वो थक गई है, इसलिए वो भी उसको नहीं रोकते। अर्नव थोड़ी देर बाद दादू के पास जाकर बैठ जाता है और बातें करता है।
जब दादू सो जाते हैं तो उनके रूम की लाइट बंद करके अपने रूम में आ जाता है और किसी को फोन करता है। हाँ, जो नाम बताया था ना, वहां पता करो और पुलिस वालों से भी पूछो, मुझे वो चाहिए, बस। फोन काट कर अपना कुछ काम करने लगता है। उधर जानवी बेमन से सामान निकाल रही होती है, तभी एक बॉक्स को देखती है। ये क्या है? इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं। पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने, तीसरा एपिसोड। जब जानवी वो बॉक्स खोलती है तो उसमें वही नेकलेस था। जानवी हैरान हो जाती है। वो बॉक्स से दुकानदार का नंबर देख के उसे फोन करती है। हेलो? हेलो, कौन? सर, मैं वही हूँ जो सुबह आपकी दुकान में आई थी और मुझे एक नेकलेस पसंद आया था, पर वो बुक था। जी जी मैम, बोलिए। आ गया ना नेकलेस आपके पास? कोई परेशानी तो नहीं आई? नहीं, पर ये मेरे पास कैसे आया? आपने तो मना कर दिया था। अरे मैम, आपने पहले नहीं बताया था कि आप अर्णव सर के साथ हैं? मैं तो ये तभी आपको दे देता। वो क्यों? जानवी हैरान थी। आपको नहीं पता? ये शॉपिंग मॉल उन्होंने ही बनवाया है, सब उन्हें जानते हैं। उनके कहने पर ही बिल वाले सेक्शन में मैंने वहां भिजवा दिया था। और बिल? वो तो सर ने मुझे ऊपर ही दे दिया था। ओके, थैंक यू वेरी मच। जानवी सीधा अर्णव के कमरे में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कम इन। राजू, कॉफी टेबल पर रख जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सो जाओ। अर्णव बिना ऊपर देखे बोलता है और काम करने लग जाता है। सॉरी मिस्टर रायचंद, मैं तो कॉफी नहीं लाई। ओह, आप यहाँ? कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ है ना, ये नेकलेस और नेकलेस वाला डिब्बा। वो अर्णव के पास में रख देती है। अच्छा, इससे क्या प्रॉब्लम है? आप बस इसका कॉस्ट बताएं, तभी मैं ये लूंगी। ये तोहफा मेरी तरफ से नहीं है, आपके प्यारे अंकल यानी मेरे छोटे पापा की तरफ से है। मैं मॉल में उस दुकानदार से बात कर रहा था, तभी छोटे पापा की कॉल आई। उन्हें जब पता चला तो उन्होंने मुछे लेने के लिए कह दिया। बस, दैट्स इट। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं उन्हें फोन कर देता हूँ। नो 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 प्रॉब्लम, नॉट एट ऑल। डोंट कॉल हिम, आई रिस्पेक्ट अंकल्स फीलिंग्स, सो आई टेक दिस। जानवी अर्णव को बोलती है। ठीक है मिस जानवी जी, पहले तो आप ना ये जी जी बोलना बंद कीजिए। ओके, तो आप भी मुझे रायचंद बोलना बंद कीजिए। तो क्या अब आपको अर्णव जी ऐसे बोलूं? जानवी खींच जाती है। आई डोंट माइंड इफ यू कॉल मी अर्णव जी, साउंड्स गुड, अर्णव ने कहा। इसके बाद जानवी थोड़ा सा गुस्सा हुई। वो बोली, अब तो मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगी। ओके, एज यू विश। और फिर अपना काम करने के लिए वो लग जाता है। जानवी गुस्से से अपने कमरे में आ जाती है। ये खुद को क्या समझता है यार, जब देखो बस अपनी मर्जी करता है, दूसरे की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। मैं उससे बात करना चाहती थी, शायद ये नेकलेस उसने लिया था, पर ये भी अंकल के कहने पर लिया। बस बहुत हुआ, आज के बाद मैं तभी बात करूंगी जब वो पहले से बात करेगा। जानवी गुस्से में खुद से बातें करते करते सो जाती है। इधर अर्णव कुछ सोचता है। शुक्र है कि मैंने छोटे पापा को फोन पर कहा कि उन्हें जानवी और दादू को कोई तोहफा देना चाहिए, नहीं तो ये नेकलेस मुझे अपनी ओर से देना होता और मैं ये नहीं कर सकता। उसे कोई उम्मीद नहीं दे सकता मैं, और उसे उदास भी नहीं देख सकता। पता नहीं क्या हो गया एक ही रात में कि वो मुझे इतनी अच्छी सी लगती है। चलो अब वो गुस्से में ही सही, पर दूर तो रहेगी मुझसे। रात गहरा गई पर अर्णव की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने जानवी का रोता हुआ चेहरा आ रहा था। वो चुपके से जानवी के कमरे में गया और उसे सोता हुआ देखकर सुकून आया। जिन लोगों ने तुमको रुलाया था और बदतमीजी की थी, उनको उनके किए की सजा तो जरूर मिलेगी। अर्णव ने उन लोगों का पता लगा लिया और उन्हें उनके किए की सजा भी दी। अगले दिन अर्णव पूरा दिन बाहर रहा और दादू और जानवी भी इस शहर में घर खरीदने की सोचकर ऑनलाइन ही घर ढूंढने लगे। शाम को अर्णव आया तो दादू ने उसे बताया कि जानवी के पापा का फोन आया था, वो एक घर यहाँ भी लेना चाहते हैं।
क्योंकि जानवी भी अपनी लॉ की प्रैक्टिस तेरे पापा के अंडर करना चाहती है। अभी तक उसने कोई केस नहीं लड़ाया और ना ही कोई स्टडी किया है, बिल्कुल कच्ची है। अभी तो उसके लिए इंडिया के बेस्ट वकील के साथ ही शुरुआत करनी चाहिए। अर्नव ने कहा, जी दादू, कल छोटे पापा भी आ रहे हैं, फिर हम मिलकर एक घर ढूंढ लेंगे। जानवी अर्नव को देखती है पर बोलती कुछ नहीं है। अगले दिन अर्नव के पापा भी आ जाते हैं। दादू और ऋषभ रायचंद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और बातें करते हैं। ऋषभ, तुम्हें पता है कि यश के यहां से जाने का क्या कारण था? जब 2 साल पहले जानवी की मां की मौत हुई, जानवी अंदर से टूट गई। डॉक्टर ने हमें जानवी को उसकी मां की यादों से दूर करने के लिए कहा, नहीं तो जानवी इस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाती। फिर मैंने ही यश को यहां आने के लिए मनाया था। अब जानवी बहुत अच्छी है, बस अपनी मां की यादों को खुशी के लिए याद करती है, ना कि दुख हुई होकर। इसलिए यश यहां एक घर लेना चाहता है, पर वो यहां नहीं आएगा। मुझे पता है धनराज जी, ना वो मुझसे बात करेगा। कोई बात नहीं, घर के पास ये घर है हमारे, वहां आप अपना घर बनवा लीजिए। और इतने में अर्नव आ जाता है। जी दादू, मैंने तो डिजाइन भी बनवा लिया, ये देखिए 3-4 महीनों में आपका घर रेडी हो जाएगा। हाँ, और ये बात जानवी को कोई नहीं बताएगा, हम उसे सरप्राइज देंगे। जो हुक्म आपका दादू। जानवी और दादू का घर तैयार हो गया था, पर जानवी को कुछ नहीं पता था। वो इन 4 महीनों में ऋषभ के साथ ही काम करती रही और बहुत कुछ सीख गई। अर्नव उनका घर बनाने में लगा रहा, पर दोनों एक ही घर में रहकर बात नहीं करते थे। जानवी बस अर्नव के बोलने का ही इंतजार करती रही, पर इन महीनों में अर्नव से उसे बहुत लगाव हो गया था। वो सुबह अर्नव को देखती और फिर रात को और फिर सारा दिन उसे ही अपने साथ महसूस करती। अर्नव भी कभी जानवी के पास नहीं गया, बस दूर रहकर उसे देखता और कोई भी परेशानी नहीं आने देता। दोनों के बीच एक अनकहा सा और बहुत गहरा रिश्ता बन गया। जानवी बेटा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, एक दिन दादू जानवी को बोलते हैं। क्या दादू? चलो कार में बैठो, बताता हूं। दादू और जानवी एक बड़े से घर के आगे कार रोकते हैं। घर के बाहर बोर्ड लगा हुआ था, जानवी मेंशन। जानवी दादू की तरफ देखने लगती है। अंदर तो चलो बेटा। इसके बाद वो अंदर जाती है और सामने देखती है कि ऋषभ अंकल और अर्नव खड़े हुए थे। जानवी, ये रहा हमारा घर। तभी जानवी सामने दीवार पर देखती है, उसकी और उसकी मां की एक बहुत प्यारी तस्वीर लगी होती है। जानवी भागकर दादू के गले से लग जाती है और थैंक्स बोलने लग जाती है। उसकी आंखें भर आती हैं। अरे मेरी प्रिंसेस, ऐसे नहीं रोते, और मैंने तो घर बनाने का सपना देखा था, पूरा तो अर्नव ने किया, और ये फोटो भी उसी ने लगवाई है। तो कैसा लगा मेरी बच्ची को ये घर? बहुत प्यारा है दादू। जानवी बस अब अर्नव की तरफ देखती है। तभी ऋषभ आकर धनराज को कुछ बोलता है। बेटा, हमें एक जरूरी काम से जाना होगा, तुम जानवी को घर दिखा के वापस ले जाना। ठीक है छोटे पापा। अब जानवी और अर्नव अकेले थे घर में। चलो जानवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखा देता हूं। अर्नव के मुंह से जानवी ने बहुत दिनों बाद अपना नाम सुना था, वो भी बिना जी के। वो मुस्कुराने लगी। चलो अर्नव जी, आप मुझे घर दिखा दीजिए। और दोनों हंसने लग जाते हैं। जानवी पूरा घर देखती है। बाहर आकर अर्नव उससे पूछता है, तो जानवी,